क्या खा रहे हो? तो गाइस हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और देखो ए देखो और हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग को निकलना है, तो तैयारी होनी होगी शुरू। मतलब कल की व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सारी पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। और अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के। तो हम लोगों ने ना ब्रश मंगवाया था, ये देख सकते हैं दिखाओ हम लोगों ने ना ब्रश मंगवाया था। तो ये ब्लू कलर का जो ब्रश है ये मुझे चाहिए, ये पर्पल वाला ये नहीं लेना चाहते, ये इनको भी ब्लू ही चाहिए, ये सोचे कि मैं ले लूंगी, बट मैंने यही सिलेक्ट किया है। चाहिए हमें सेंसोडाइन का चाहिए नहीं तुम अगर आपको भी चाहिए सेंसोडाइन तो मंगवा देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही कलर चाहिए। टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं? टिकट कंफर्म है पक्का? अभी स्टेटस देखे नहीं है। ए बाबा चेक कर लो, फेस्टिवल के टाइम पे वैसे भी टिकट का बहुत इशू हो रहा है। ये देखो हमारे गन को, हाय तो करो कम से कम। मामा को दोनों बोलते हैं प्लीज। तो अभी खाना वाना सारा बनाना बाकी है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये बस भटक रहे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है काम नहीं कैसे, बहुत काम है, लेकिन अभी सुबह है तो क्या करें। मेरी हेल्प कर दीजिए। हैं? मेरी हेल्प कर दीजिए। क्या हेल्प करें? खाना बनाने में पहले ब्रश कर लिया आते हैं। तो गाइस अब शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने की तैयारी, मतलब जो पैक करके ले जाना है उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम अभी दोपहर का खाना तो अब खा चुके रहेंगे और 6 बजे तक किसी को भूख लगेगी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ना टिफिन ही पैक कर लूँगी उसके लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी और रोटी ही बना करके ले जा रही हूँ रात के लिए, बस रात का ही एक वो है, बाकी सुबह तो उतर जाना ही है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तब तक मैं जा रही हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए, मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी अपने मटर और आलू की, जो कि मैं टिफ़िन में ले जाने वाली थी, तो मैंने उसे अच्छे से धुल लिया था और डाल लिया था, और उसके बाद जो भी आलू मैं को उसमें डालने थे 3-4 वो मैंने फटाफट से सोचा ना कि उसी में डाल दूँ और दोनों अच्छे से बॉयल हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब बहुत कम समय लगेगा सब्जी बनने में। तो वहाँ पे क्या हो गया ना कि जो मैंने ये कद्दू लौकी की सब्जी काटी थी क्योंकि वो बहुत दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं थी, और मैं बोली कि और रखी रह जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे अच्छी है कि मैं बना करके उसको टिफ़िन में करके ले ही जाओ। तो यहाँ पे नमक भी नहीं था तो मैंने डब्बा धुल लिया था अच्छे से, और उसको धुल करके उसी में मैंने पैक कर दिया, और यहाँ पे सरसों डाल करके अपना लौकी की सब्जी में सरसों और लहसुन और हरी मिर्च डाल करके मैंने उसमें मिला दिया। इसमें मिला करके बहुत एकदम नॉर्मल नमक और हल्दी डाल करके उसको बंद कर दिया, वो अपने आप ही होता रहा। और उसके बाद का आज का ऐसा हेडेक डे था ना कि क्या मैं क्या ही बोलूँ, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, क्योंकि हम लोग धनतेरस के दिन ही निकलने वाले थे। और मैंने क्या लिया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक जब गए थे वहाँ का मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, पर लिया है एक झाड़ू लिया था और अपने लिए एक ये बिछिया ले ली थी, उसी दिन मेरे को निकलना था और हम लोगों ने वही लिया धनतेरस पे, बोले कुछ भी लिया जाता है हो जाता है, तो वही लिया। और आप लोगों ने अपना धनतेरस कैसे बनाया वो हम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था, तो मैंने आटा अच्छे से गूंद करके फटाफट से मैंने सोची 7-8 रोटियाँ बना लूँ टिफ़िन के लिए, तो मैं सोची फटाफट से ये करना था। और जब मैं मार्केट से होके आई थी तब 4 ही बज रहे थे, और कुछ कुछ सामान ऐसा होता है ना कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, तो यहाँ वाली भी वही बात हो गई थी, तो उसको वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था।
तो ज़्यादा लग गया, तो मैं यहाँ पे आलू और मटर मेरे हो ही चुके थे, यहाँ पे जो सब्ज़ी बनी वो तो हो चुकी थी, यहाँ पे मैं तेल डाल दिया और आलू मटर की तैयारी में थी। उसके बाद यहाँ पे मैं मिलाऊंगी जीरा, और जीरा मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद प्याज डाल दो आप एकदम ईजीली तरीके से, अब वो भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाल दिया और थोड़ा टमाटर डाल दिया, बहुत इजी बेसिक है। और मैं वैसे इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, कल का सॉरी मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा हेडेक वाला हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया था सुबह से ना, और जिस दिन कहीं जाओ उस दिन ऐसा हो जाता है ना कि काम ही ख़त्म नहीं होता, और यहाँ पे यही बात हुई थी। और जबकि मैं सुबह ही डायरेक्ट मैंने खाना बना लिया था, मैंने नाश्ता वास्ते का वो कुछ नहीं रखा था, डायरेक्ट खाना ही तैयार कर लिया था। तो दाल चावल सब्जी मैंने सुबह ही तैयार कर ली थी, बाबू को खिलाना मेन बात है ना, बाबू को खिलाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और ये सब करने में थोड़ा वो हो जाता है। तो हम जैसे मार्केट से आए फिर टिफिन ही बनाना मैंने शुरू कर दिया, और ये सब बनाते बनाते 5:30 हो ही गए थे, और पूरा जब तक मैं यहाँ पे खाना बना रही थी गनू का कुछ अलग ही नाटक चल रहा था, मतलब उसकी अलग ही लेवल की मस्ती चल रही थी, पूरा घर एकदम बिखेर के रख दिया। और फिर मुझे वहाँ पे क्लीन यहाँ पे करने के बाद वहाँ घर का भी पूरा क्लीन करके एकदम हम लोग को निकलना था, ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने वो की और इसको अच्छे से फ्राई वो कर रही थी मैं आलू और मटर को। इसकी सब्ज़ी ना ऐसी सूखी अगर बना लो ना तो बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और मैंने इसलिए इसको सूखी बना करके मसाले वसाले ऐसे ज़्यादा भूंज वो कर लिए थे, फ्राई कर लिए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, एकदम नॉर्मल सा ये था। उसको टिफिन ने वैसे ही पैक कर लिया, तो यहाँ पे तो मेरी सब्जी ये वाली भी रेडी हो गई। तो मैंने इसको खुली छोड़ दी क्योंकि ऐसा थोड़ा गर्म ख़राब वराब ना हो जाए, वैसे तो खाना था तो रात को ही खा था, पर फिर भी मैंने सोचा कि वो ना हो जाए इसलिए मैंने वैसे ही चालू करके छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जितना भी काम जो था वो मैंने यहाँ पे निपटा लिया था, किचन धुल अच्छे से धुल लिया था और बर्तन वर्तन धुल लिए, बाकी हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। और उसके बाद का जो रूटीन था ये रूम पूरा एकदम मैं सोच रखा था, मैंने बोला क्यों ना इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, और साथ ही मैंने जो बैग ऊपर रखे थे दोनों ही, एक उसमें से नीचे गिरा तो उसे उठा करके ऊपर रखी, और बाकी जितने भी पैकिंग थे बचे हुए उसको करना था। तो गाइज हम लोग अब रेडी हो चुके हैं, और गन्नू भी रेडी हो चुका है, हमारा सामान भी रेडी हो चुका है, और अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं, और ये जा रहे हैं अभी ऑटो को लेने के लिए, तब तक सामान सारा शिफ्ट करेंगे, तो आपको मिलते हैं हम डायरेक्ट स्टेशन पे। हेलो गाइज, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, ट्रेन जो है 9:45 है, 8:55 में, यानी 9:05 बाकी रहेगी, उसी समय ट्रेन आएगी। इलाके स्टेशन पर दिखा रहा है, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, देखिए कब तक ट्रेन आती है। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन एकदम टाइम पे आ गई थी, और हम लोग अपने सीट पे बैठ गए, और बैठने के बाद मेरा वही चिप्स निकाल करके मैं खाना शुरू कर दी थी, और बाबू अपने सीट पे तो आ ही नहीं रहा था, वो बैठ गया था किसी और की सीट पे जाके, वहाँ से उतर ही नहीं रहा था। अरे तुम कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो? चिप्स नहीं, बिस्किट है, बिस्किट है। अरे जूता खोल दिए हो, गर्मी लग रहा है, चलो। अरे सॉक्स तुम्हारा बहुत अच्छा है, एक हमें दो, एक हमें दो। और मम्मा का कौन देगा, नहीं दोगे? तो यहाँ पे हम लोग रात का खाना जो पैक करके लाए थे वही हम लोग खा रहे थे, और उसके बाद हम सो गए थे, सो करके अब उठे हैं सुबह सुबह, तो गन्नू का मूड कुछ देखो यहाँ पे हो।
क्या खा रहे हो बिस्किट। तो अभी हम पहुंचे हैं बरौनी और यहाँ से फिर आधा एक घंटा लगेगा एंड उसके बाद फिर उससे हम ट्रेन पकड़ेंगे, वो भी 2-3 घंटे वहाँ से लगेगा, देखते हैं। अभी आज कन्हा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा इधर का परेशान है, लिया हमने इसको अच्छे से रखो। आप किस देखो, ए देखो और